देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आई ऐसी आई आई चांदनी बापू अब मैं करूं थोड़ी सी अरे क्या हो रहा है यहाँ वो बच्ची की अम्मा काम में लगी हुई थी उसे चोट लगी थी तो सोचा कि दवाई लगा दूं छोटी बच्ची है इसीलिए आसारा था कि हंसते खेलते दर्द भूल जाएगी अगर कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगता हूँ नहीं 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 आपने जो किया वो इसकी माँ को करना चाहिए था थैंक यू ज्यादा नहीं लगी तारा की दांत छोटू सारा उस वजह से और आप बहुत बहादुर हो ना इसीलिए ब्रेव यस ब्रेव वेरी वेरी ब्रेव आप वापस ले लो हमारा नाम पुठारी मारा नाम चांदनी ठीक है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बच्चा आपको पता है ना कि आपको वो नाम क्यों दिया गया पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है हाँ करनी है पर तारा का दोस्त भी तो बनता है तो अगर ऐसा हो जाए कि आप तारा की दोस्त भी बन जाओ और आपका नाम भी आपके पास रहे तो ये सही है फिर ठीक है मैं आपकी फ्रेंड से बात करूंगी पर चाहे कुछ भी हो जाए चांदनी आप पढ़ाई करना बंद नहीं करोगे आपको पढ़ना है और बड़े होके बहुत बड़ा बनना है ना खुद कर बहुत मेहरबानी है जो आप इसके लिए इतना कर रही हैं आप क्यों चांदनी के लिए ऐसा बोल रहे हो आपका दिल देखकर अपने आप ही आ गया जी वरना आप जैसे बड़े लोग कहां किसी पराए के लिए कुछ करते हैं खुश नसीब है ये जो यहां इस घर में आई बहुत किस्मत वाली है किस्मत वाली तो मैं हूं जो ये मुझे मिली मिल गई मालिश वाली माँ अच्छा काम करेगी ये सब तो ठीक है पर उसे यहाँ क्यों रखा और उसके पोता पोती उन्हें भी आपने यहीं रख लिया अब मामा आपने तो मंजू का रूम उन्हें दे दिया क्या जरूरत थी ये सब करने की दादी आप यहाँ कैसे ए, थरी कोई दादी ना है क्यों डरावे इसे चंदा मैं थारी दादी हूँ और इस कमरे में समझी ना इस कमरे के बाहर तो किसी को ना जानती ना हीरा पन्ना को ना थारे बापू को ना दादी को समझी अरे पर अठे अठे चंदा मारी राजकुमारी से और मारा पूरा परिवार राजघराना देख लिया कहा था ना तुझसे जल्दी आऊंगा और सबको साथ लाऊंगा देख ले सब साथ में थारे वास्ते भी कुछ है खास तोहफा काहे तोहफा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या दिक्कत है उनके यहाँ रहने से वो अमृता उसने भी तो हमारे सर पे लाके बिठा दिया ना ये चांदनी और मीनाक्षी को एकदम निकम्मी ना काम की ना दाम की सौ मन अनाज की दोनों की दोनों अरे बेटा कम से कम ये औरत कुछ तो काम आएगी ना मेरे ये तो मैं देख साहब 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 क्या हुआ सेठानी जी सेठ जी साहब ये लंबा यहाँ से आया और सीधे अंदर कमरे में चला गया मैंने खुद देखा और झाड़ू से डराने की और भगाने की कोशिश की पर वो अंदर चला गया साहब अमृता तारा का है किसी ने रूम
तारा ऊपर रूम में ही है, मैं उसी के पास जा रही थी तो इनकी आवाज सुनकर आ गई। चांदनी का है ऊपर, अम्मा वो मालिश वाली अम्मा और वो बच्चे है ना उनके साथ है। मैं अभी किसी एनिमल कैचिंग एजेंसी को फोन करता हूँ, किसी सांप पकड़ने वाले को बोलेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, सांप मैं पकड़ सकता हूँ। सांप आप रहने तो, ये आसान नहीं है राजीव, तुम कॉल करो। अरे सेठानी जी, सेठ जी कब किसको बुलाएंगे और कब कौन आएगा? सांप तो आकर बैठ ही गया है ना घर में, और अगर खिसते खिसाते किसी खिड़की से दूसरे कमरे में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए जी, सांप को जितनी जल्दी घर से निकाल दो उतना अच्छा है। पर तुम कर लोगे? सांप पकड़ लोगे? जी साहब, गांव में सांपों का रोज आना जाना होता है तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। पर राजीव ये... अमृता जस्ट लेट हिम डू इट, तुम चाबी लेकर आओ, ये रूम खोलते हैं। और मामा को बोलना ऊपर ही रहें कमरे में। तुम्हें पक्का है सांप यहीं से आता? संभल के प्लीज। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं गया और सांप पकड़ के ला। चाहिए राजीव, तुम कम से कम किसी और को भी कॉल कर दो, जब तक ये अंदर है अगर नहीं पकड़ पाए तो एटलीस्ट सेफर साइड कोई तो होगा। मैं करता हूँ। दिखा क्या, जरा अच्छे से देखना सब कुछ। हाँ, काफी ध्यान से देख रहा हूँ। अरे अमिताभ, कहाँ जा रही हो? पीछे आओ, पीछे आओ। अरे सुनो, सब ठीक है ना अंदर? हाँ हाँ जी साहब। और अगर सांप ये दरवाजे के पास आ रहा हो तो बता देना। जी। माल तो घना से मगर अभी नहीं उठा सकता, सही टाइम आने पे सब साफ कर दूंगा। काफी जहरीला और बड़ा है, इसे सीधा बाहर ले जाओ गार्डन में और वहीं पे रखना, वो एजेंसी वाले आएंगे वही ले जाएंगे इसे। जी चलो मैं दिखाती हूँ, चलिए। अमिता तुम लॉक कर दो। ये सांप तो पकड़ गया लेकिन ये नागिन अभी तक यहीं पे है, इसको तो मैं बाहर भगा के रखूंगी। ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? अगर दो तीन सेट गायब हो जाए तो इल्जाम तो चाबी रखने वाले पे आएगा, ये चाबी इनके पास है। वाह, ऐसे तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और ये मेरे भाई की लाइफ से गेट आउट। ये नागिन अमृता भाभी इस घर से आउट हो, उससे पहले मुझे एक और जरूरी काम है। समझ लिया ना सारा खेल? जो से सोने से भरा कमरा और चाबी रहती है छुई में अमृता के पास, तैयार है ना तुम? तमाशा देखने के बाद तैयार ना भी हो तो भी हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, पहले वो आपका नाम लेगी, अब तो आपकी मम्मा का प्यार भी ले लिया, देखना धीरे धीरे ना वो ये घर भी ले लेगी। आपका कुठारी नाम और आपकी माँ का प्यार सब छीन लेगी। देखो ना, आप कितना सैड हो,
आप एक काम करो, आप ना इवान और इशिता के साथ में जाके उनकी दादी के घर पे रहो, देखना तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, फिर आप जो कह रहे हो ना वो वही करेंगे। ये सिखाएंगे आप अपनी भतीजी को? आपको आइडिया है आप क्या कर रही हैं? मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आपके भाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी खुद की बहन उनकी बेटी को घर से भगा रही है तो जानती है ना क्या होगा। एक काम कीजिए, आप खुद ही जाके क्यों नहीं दिखा देती अपने भाई को? लीजिए। हाँ हाँ लाओ, मैं दिखा देती हूँ, बड़े मजे से दिखाऊंगी। वैसे क्या चुगली करेंगी आप मेरी, क्या किया मैंने? हाँ देखो, क्या हुआ? लाओ मैं दे देती हूँ भैया को। आपको क्या लगता है आप जाके भैया से मेरी शिकायत करेंगे और वो मान लेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन आपको आइडिया है कि उसके बाद आपके साथ क्या होगा? नहीं, मैं जाऊंगी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं वापस भी नहीं आऊंगी। आप चांदनी के नाम से कोठारी हटाओ तो मैं यही रुक जाऊंगी। नायरा आपको क्या हो गया? आपने खुद कहा था ना बच्चा कि आप चांदनी के साथ ही स्कूल जाओगे, तो अगर चांदनी का नाम ही छीन लिया तो वो स्कूल कैसे जा पाएगी आपके साथ? तारा ऐसे नहीं करते है बच्चा, आप अकेले कैसे जाओगे, कौन जाएगा आपके साथ स्कूल? बुआ ले जाएगी मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुआ जाएगी, मैं अपने तारा को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि हमें कभी किसी बाहर वाले की जरूरत ही ना पड़े। हाँ कल चांदनी मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगी। आप बोलो कि वो आपके रूम में भी नहीं रहेगी और चांदनी मेरे रूम में भी नहीं सोएगी। चांदनी क्या हुआ, आप सैड क्यों? तारा फ्रेंड बनेगी, अभी नहीं मानी तो क्या हुआ, बाद में मान जाएगी। मैं मनाऊंगी उसे, मैं समझाऊंगी उसे, पर कैसे समझाऊंगी मैं तारा को, कैसे समझेगी वो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल चल तारा, गो आ जाओ, आओ तारा जल्दी आओ। तारा आपसे मिलने कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं, चलो जल्दी। हेलो। हाँ मम्मा। हाँ बेटा इशिता, क्या हुआ? तू नहीं भड़काया ना तारा को कि मारी चंदा स्कूल ना जाए? किड्स कार्टून देखते हैं ना आप सब? Yes. ये उसी एनिमेशन कंपनी से आए हैं, से हेलो। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। तो आज इन्हें हम बताएंगे कि हम सब कितने टैलेंटेड हैं, स्पेशली तारा बेटा आप।
याद है फर्स्ट डे तुमने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, आज उससे भी अच्छा कुछ बना के बताना। तारा और ये चड्डा की चांदनी, मतलब ये तारा और ये मैं। लेट्स स्टार्ट। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ बेटा आपको। तो बुलाओ ना हमें आपके पास, मुझे और नहीं रहना दादी के यहाँ। तारा अच्छे से बनाओ। नुकीला पत्थर है, आपके पाँव में लग जाता। हाँ, और रियली? तो रियली? जस्ट लुक एट दिस। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या बनाया तुमने तारा? उस दिन तो अच्छा बनाई थी, इसका मतलब तुमने चीटिंग की थी ना? वेरी बैड, शेम ऑन यू। तारा, तारा, तारा क्या हुआ? अरे तारा, बेटा बुआ नहीं मैं हूँ। तो बुआ को बोलो नहीं यहाँ से जाए। तारा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे किसी और का फोन होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं उठाती, कि निशिता का फोन था तो। कोई बात नहीं मैं संभालती। तारा जैसी माँ वैसी बेटी। गुड गर्ल का मम्मा की बेटी कौन है? तारा। तो अगर तारा मम्मा से बात नहीं करेगी तो मम्मा भी सैड हो जाएगी, फिर दो दो लोग सैड, अच्छा नहीं लगेगा ना। तारा तो आप मम्मा से बात करोगे? इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। लव यू। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो स्कूल में वन वो कैसे होती बेटा? स्कूल में रिलेटिव्स और फैमिली तो अलाउड ही नहीं होती है। स्कूल में तो आपके फ्रेंड्स अलाउड होते हैं ना? तो फिर अच्छा एक मिनट, मम्मा भी आई। ये देखो इसमें मम्मा का क्या नाम लिखा है? अमृता अग्रवाल। आप तो अमृता कोठारी हो। हाँ, लेकिन जब मैं आपके पापा से मिली तो मैंने अपना नाम बदल लिया।
वैसे नहीं भी बदलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपके पापा से मिलने के बाद मेरे नाम के साथ भी कोठारी जुड़ गया। जब कोई रिश्ता जुड़ता है तारा, तो उसके साथ नाम भी जुड़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे चांदनी आपकी फ्रेंड बनी तो उसके नाम के साथ कोठारी जुड़ गया, और ये नाम मम्मा ने दिया था चांदनी को ताकि वो आपके साथ स्कूल जा सके, आप दोनों एक साथ पढ़ाई कर सको और हमेशा साथ रह सको, वो आपकी फ्रेंड बन सके। और जब टूटू लोग एक ही साथ हो तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। बोला था ना आपको कि अगर वो भी स्कूल में होती तो आप दोनों कैसे स्ट्रांग बनते। कभी एक दूसरे को हारने नहीं देते, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। अगर वो वीक पड़ती तो आप उसे संभाल लेते, और अगर आप वीक पड़ते तो वो आपको संभाल लेती। इसका मतलब आप दो दो होके भी वन होते, स्ट्रॉन्ग सिस्टर्स जैसे। जब ये टू टू ऐसे वन बन जाते हैं, हम कैसे बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग। तो अब आप बताओ, चांदनी से उसका नाम वापस लेकर आपको वीक बनना है, या उसको नाम वापस देकर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। किसके साथ बनोगे?